चंद्र राहु की युति हो तो मति भ्रम के योग लग जाते हैं। व्यक्ति कभी भी मानसिक रूप से उबर नहीं पाता, वो हमेशा भटका हुआ सा महसूस करता है और डिप्रेसिव महसूस करता है। राहु बुध की युति हो तो व्यक्ति का दिमाग इतना ज़्यादा तेज चलता है कि वो सामने वाले को बोलने का मौका नहीं देता और धीरे धीरे चल करके ये दिमागी बीमारी का कारण बना देता और इससे सांस दमा या अस्थमा की समस्या आ जाती है। राहु गुरु साथ मिलकर के बैठे हो तो भी बुध खराब हो जाएगा, तब भी सांस अस्थमा या एलर्जी से संबंधित बीमारियां लग जाती हैं। शुक्र राहु हो तो गृहस्थी के सुख में तनाव आ जाता है, बिस्तर के सुख में कमजोरियां आ जाती हैं और जब भी जन्म कुंडली के अंदर शनि राहु का योग हो तो कुंडली में मंगल खराब होते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति संबंधों को बेहतर बनाने के चक्कर में बहुत गुस्सा करता है और ब्लड के इन्फेक्शन क्रिएट होते हैं। राहु जब भी किसी ग्रह के साथ मिलकर बैठे हो, अशुभ हो रहे हो, तो ये बीमारियां विशेष तौर पर बनाते हैं। इसीलिए राहु का सबसे पहला उपाय, कबाड़ मुक्त अपना घर रखिए, लाइट बहुत अच्छी रखिए, घर के अंदर आप भजन सिमरन का जरूर माहौल बना करके रखें और नित भगवान की पूजा जरूर करें तो राहु अपना बुरा असर जरूर कम करेगा।